तो मैं तो ये चाहूंगी कि किसानों को कि आप प्लीज उसको छोड़िए, रसायन छोड़िए, कीटनाशक छोड़िए, अब जैविक की तरफ आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको धीरे धीरे ही रिजल्ट आएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जी अच्छा, जैविक खेती को अगर हमारे किसान भाई बहन करते हैं तो किन किन तरीकों से उन्हें फायदा देखने को मिल सकता है, उन्हें लाभ मिल सकता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो किसान बाजार प्रोग्राम को लेकर। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एक गेस्ट, एक एक्सपर्ट जो गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करती हैं, अवेयर करती हैं, जो नई युवा पीढ़ी है उनको भी ये किसानी एक किसान के रूप में लेकर आगे आ रही हैं। तो चलिए इनसे ही जानते हैं। मैम, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ चंदना निषाद, मैं कानपुर से हूँ और मैं जैविक खेती के मुहिम उठा के चल रही हूँ कि जो हमारा देश है हरित क्रांति की तरफ आगे बढ़े, तो मैं उस पर ही काम कर रही हूँ। हर गांव-गांव जाके और हर किसान को अवेयर करती हूँ कि वो जैविक की तरफ जाएं, इस पर मैं काम किस कर प्रकार से आप जागरूक करती हैं किसानों को? मैम, जैसे कि मैं गांव जाती हूं और किसान को बताती हूं कि आप जो रसायन डाल रहे हो तो आप रसायन यूज ना करके आप जैविक की तरफ आगे बढ़िए, ताकि आप भी स्वस्थ रहेंगे और लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। जी, इस तरह से मैं बातचीत करती हूं, किसानों की मीटिंग लगाती हूं, किसानों को बताती हूं, जागरूक करती हूं। अच्छा, सबसे खास बात है कि आप एक महिला हैं और गांव-गांव जाकर आप लोगों को जागरूक भी करती हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कितना मतलब आपके लिए ये मुश्किल समय रहा और कितना आसान समय रहा, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो काम हम करते हैं, जो हम प्रॉपर करते जाते हैं, तो फिर वो आसान हो जाता है। जी, तो स्टार्टिंग में तो ये आसान नहीं था। मैं जब गाँव जा रही थी, कम से कम शहर से 30-40 किलोमीटर दूर जाना, एक हाउस वाइफ को घर से निकलना, घर का सारा काम करके जब घर से निकलती थी, तो मैं जब गांव जाती थी तो पहले, क्योंकि वो किसान कोई जान पहचान के तो होते नहीं थे, वो अनजान है, जब मैं वहां पहुंचती थी बोलती थी कि मैं यहां से आई हूं, प्लीज़ मेरी बात ये सुन लीजिए, तो कुछ किसान बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ इग्नोर करते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं कि चलो मैं सुनता हूँ, आ जाओ। फिर जब उनके पास बैठती हूँ, बताती हूँ कि मैं यहां से आई हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ और आपको ये बताने के लिए आई हूँ, तो फिर वो इंटरेस्टेड दिखाते हैं और भी लोगों को बुला के लाते हैं। तो ऐसे करके वो कम से कम 10-15 किसान को बैठाते हैं, एक मीटिंग लगवाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, फिर अपना फिर बैनर वगैरह लगा के मैं वहाँ पे उसको दिखाती हूँ कि देखिए ये जैविक है और ये केमिकल वाला है जो रासायनिक है, जी, तो इसमें क्या बेनिफिट है और इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। अच्छा, सबसे अहम सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, हमारे जो दर्शक है वो भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में जैविक खेती होती क्या है। जी, जैविक खेती जो है कि जैसे कि हम लोग जैविक खेती जिसको किसको बोलते हैं, जो जिसमें जीवात्व होते हैं, जैसे कि गोबर की खाद बनाते हैं उसमें जीवात्व होते हैं, जैसे कि हम केचुए की खाद बनाते हैं उसमें जीवात्व होते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं जैविक खेती। जो बिना रासायनिक और कीटनाशक डाले जो हम उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसको हम जैविक खेती बोलते हैं। अच्छा, बहुत सारे किसान हैं, है ना, वो खेती कर रहे हैं, तो उनका एक प्रश्न ये होगा कि आखिर हम जैविक खेती की तरफ ही क्यों जाएं, तो क्यों जाना चाहिए हमारे किसानों को जैविक खेती की तरफ? किसान, बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि वो जैविक की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि उसको उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जैविक में, और रसायन में इतना ज्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि वो रसायन डाल रहे हैं और केमिकल वाला उगा रहे हैं और खुद तो बीमार भी पड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी खा रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ बाजार में बेच ही रहे हैं, वो खुद भी खा रहे हैं और खुद भी बीमार पड़ रहे हैं और लोगों को भी बीमार करवा रहे हैं। तो इसलिए वो, और उसमें क्या होता है कि वो जल्दी रिजल्ट आता है। केमिकल डाला, आज देखिए लौकी, लौकी बन मतलब 2-3-4 दिन में तैयार होने वाले लौकी वो रातों रात तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन डालते हैं और दूसरे दिन देखिए लौकी इतनी बड़ी हो जाती है, तो क्योंकि उसमें रसायन पड़ा हुआ है, है ना। तो वो इसकी वजह से वो ज्यादा लाभ लेने के लिए, बेनिफिट अपना लेने के लिए वो इस तरह से काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए। तो मैं तो ये चाहूंगी कि किसानों को कि आप प्लीज उसको छोड़िए, रसायन छोड़िए, कीटनाशक छोड़िए, आप जैविक की तरफ आगे बढ़िए। यहाँ पे आपको धीरे धीरे ही रिजल्ट आएगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। जी
अच्छा, जैसे आपने बताया कि जैविक खेती बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है और लोगों को क्यों इसमें आगे आना चाहिए, आपने ये भी बताया। आज के समय में जब आप गांव-गांव जाकर देखती हैं तो क्या लगता है क्यों आज के समय में किसान हमारे पीछे हैं जैविक खेती को लेकर? वो इसलिए पीछे हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट चाहिए, जल्दी से उनको मुनाफा चाहिए, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। वो सोचते हैं मैं इससे ज्यादा जल्दी से उगा के जल्दी से ये फसल को वो करके हम ज्यादा मुनाफा कमा पाए। जैविक में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए वो पीछे रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम उसको रसायन डाल के उगा रहे हैं जल्दी आपको सब कुछ मिल रहा है, बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन आगे चल के आप उसको आप बीमार तो पड़ रहे हैं ना, है ना। तो ये चीज नहीं समझ पा रहे किसान। वही चीज हम लोग समझा रहे हैं किसानों की, देखिए आप जैविक उगाइए, भले थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम पीरियड तो उसमें लग सकता है, लेकिन आपको भी इसमें बेनिफिट है, आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल जी, ये तो है कि अगर आप हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती करते हैं तो बहुत सारे इसमें हमें लाभ भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैम, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो अगर उनके पास पैसा मान लीजिए बिल्कुल नहीं है तो किस तरीके से वो जैविक खेती कर सकते हैं, किस तरीके से वो खाद बना सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। देखिए बहुत सारे ऐसे गरीब किसान हैं जो कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जैविक खेती की तरफ जा सके, तो वो घर पे ही खाद बना के अपना खेतों में डाल सकते हैं। तो घर पे खाद बनाने के लिए जैसे कि हमने कहा आपसे कि गोबर की खाद तैयार करते हैं हम, और केचुए की खाद तैयार करते हैं हम, जीवात्म जिसको बोलते हैं, तो इस तरह करके हम घर में ही खाद तैयार करके अपना अनाज को उगा सकते हैं, अपने फसल में डाल सकते हैं। अच्छा, हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो किस तरीके से खाद बना सकते हैं? जैसे कि गोबर, हमने जैसे गोबर मैंने बोला, गोबर है, गाय के मूत्र है, इससे जैविक खाद बनाई जा सकती है। अच्छा, तो उसको क्या करते हैं, हम सड़ाते हैं, उसको सड़ा के गला के फिर इस खाद को तैयार करते हैं। तो वो जो जैविक खाद जो तैयार होता है ना, तो जब आप उसमें देखिएगा, जब आप छिड़काव करते हैं अपने जैसे कि अनाज में खेतों में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं खेतों में, तो उसके क्वालिटी देखिएगा और जो आप रसायन डालें उसकी क्वालिटी देखिएगा, जमीन आसमान में आपको फर्क देखने को मिलेगा उसमें। और इसमें देखिए प्रोडक्शन भी बढ़ता है, आपको चीज भी अच्छी मिलेगी खाने को भी, और टेस्ट भी वही स्वाद जो पहले मिलता था हम लोगों को साग सब्जी में, गेहूं में, फिर से वही टेस्ट वही स्वाद मिलने लगेगा जैविक से। अच्छा, ऐसा होता है ना कि ऐसे हम लोग घर में चटनी बन रही है तो जो महक पहले आती थी वो आज के टाइम में देखने को नहीं आती। तो क्या आपको लगता है यही कारण है कि मतलब आज के किसान जैविक तरीके से खेती नहीं कर रहे, तो यही कारण है जिससे उसकी जो स्मेल थी, एक महक थी, सुगंध थी, वो गायब सी हो गई है? बिल्कुल मैम, क्योंकि देखिए क्योंकि हम केमिकल डाल रहे हैं, किसान केमिकल डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, तो जब केमिकल किसान डालेंगे, कीटनाशक डालेंगे, तो टेस्ट वो स्वाद वो सुगंध कहाँ से आएगी, क्योंकि वो तो केमिकल वाला है। और जब देखिएगा पुराने जमाने में सब लोग सिर्फ जैविक ही करते थे, तो उसका टेस्ट ही अलग था जी। कोई भी सब्जी अगर बन रही, गोभी किसी के यहाँ बन रहा हो, आप अगर निकल रहे हो तो गोभी की जो महक है ना, सुगंध जो बनने की वो आ जाती थी, लगता है उनके घर में ना ये बन रही है। बिल्कुल, चाहे वो सोया मेथी हो, चाहे वो गोभी हो, तो वो सुगंध आती थी। जैसे चाय भी अगर बन रही है तो अदरक, अदरक की महक, आजकल अदरक की महक ही नहीं है देखिएगा, तो कहीं ना कहीं वो हार्मफुल है, वो है ना, इसलिए तो क्या जो उसकी महक गायब सी हो गई है तो वो यही इसी कारण हुई है जी? बिल्कुल इसी कारण से। अच्छा ठीक है, आपने जैसे बताया कि हमारे किसान भाई बहन खाद को तैयार कर सकते हैं, तो अच्छा ये बताइए कि वो प्रयोग कैसे कर सकते हैं? प्रयोग में से मैंने बताया ना कि जैसे घर में बनाने का हमने प्रोसेस बताया, तो उसको उसके बाद वो घर में जैसे गमले में अगर कोई उगा रहा हो तो उसको गमले में भी छिड़काव कर सकते हैं, गमले में भी डाल सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो भी अच्छे उगा सकते हैं, जैसे हमने बोला खेतों में जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे गमले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा करके। अच्छा, मतलब बागवानी हम लोग तैयार कर सकते हैं। हाँ, बागवानी तैयार कर सकते हैं। थोड़ा बताइए हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ शहर में सबके बड़े बड़े मकान हैं, गांव भी हैं, और किस तरीके से हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो अपना छत पे ही अच्छे से बागवानी तैयार कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए जी। जैसे आपने सोचा कि चलो आजकल तो आप सभी लोग जागरूक हैं, सब लोग जानते हैं, क्योंकि टीवी में देख रहे हैं, सबको मोबाइल में देख रहे हैं कि केमिकल वाले हम लोग यूज कर रहे हैं, कहीं भी फल सब्जी अच्छी नहीं मिल रही है, तो वो चाहते हैं क्या है कि अरे छोड़ो, घर में ही थोड़ा सा उगाते हैं साग सब्जी जो घर में खाने के लिए हो जाएगा।
तो वो क्या करें कि घर में ही आप सब साग सब्जी उगाइए, गमले में लगाइए, थोड़ा कैरी भी जो नहीं बनाए जाते हैं तो आप वो भी बना सकते हो। लेकिन वो खाद, जैविक खाद कहाँ से आपको मिले, तो आप घर में ही जैविक खाद को बना सकते हो। जैसे कि उसको बोलते हैं हम लोग कंडा गोबर के, तो जैसे कंडा, जैसे गाय तो नहीं मिलेंगे आपको शहर में कि गोबर को उसको बना के प्रोसेस करके, तो आप कंडे से ही बना सकते हो। कंडे को जैसे सूखा कंडा है उसको पीस लो, मतलब कूट लो, जब वो पाउडर बन जाता है, पाउडर फॉर्म में हो जाता है, तो आप क्या करो गमले की मिट्टी में ही उसको आप छिड़काव कर दो, उसमें छिड़काव करके पानी डाल दो, फिर वो धीरे धीरे से वो जी तो उसमें जो है खाद जो जितना उसको मिलना चाहिए उसमें मिलता रहेगा। अच्छा, बहुत अच्छा तरीका मैम ने बताया। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था कि आजकल हम लोग देखते हैं कि गाय गोबर कर देती है, तो उस गोबर से लोग फेंक देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन यहीं पर हम जब गांव गांव देखते हैं, गांव में गोबर का इस्तेमाल घर लीपने में हो गया, चूल्हे लीपने में हो गया, तो क्या इसमें ऐसा बदला है कि आज वही चीज़ जिससे हम जुड़े थे, गांव से जुड़े थे, गोबर से बहुत कुछ किया जा सकता था, बनाया जा सकता था, वो आज कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है? देखिए, पहले क्या था कि उसके लोग, जो पहले के लोग थे, वो गोबर की गुणवत्ता को समझते थे कि इसमें क्या गुण है और इसको वेस्ट नहीं जाना देना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो जानते थे कि ये कितने गुणकारी है। तो आजकल क्या है कि एक तो सब लेजी भी हैं काम करने के लिए, और वो क्या करते हैं कि ये गोबर जो गाय दी है उसको क्या करते हैं, या तो फेंक देते हैं, लेकिन वो फेंकने के बजाय आप अगर इकट्ठा कर दो उसको कहीं पे भी रख के, मतलब डेली उस जगह पे रखो, फिर वो क्या होता है खाद के रूप में तैयार हो जाता है। जब वो खाद के रूप में तैयार हो जाता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपने खेतों में, अपने क्यारियों में इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि इसको वेस्ट ना करें और इसको यूज करिए, इसको रखिए, उसको खाद बनाइए, और अपने जैसे गाँव में भी है तो उसको भी कहीं वेस्ट ना करें, उसको भी इकट्ठा करके खाद बनाया जाए, और जैसे शहर में भी है तो उसको भी आप ये समझिए कि अरे ये तो गोबर है इसको फेंक दो, नहीं इसको फेंको नहीं, उसको अगर आपने क्यारी लगाई है, आपने गमले के में फल फूल उगा रहे हैं जी, तो उसको सुखा के उसको पाउडर फॉर्म में बना के उसको खाद तैयार कर सकते हैं और अपने इसमें डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे किसान भाई बहन हैं वो खेती तो कर ही रहे हैं और यहाँ पर जैविक खेती को लेकर भी वो जागरूक हो रहे हैं, तो अब बात आती है कि उन्हें मुनाफा कितना देखने को मिलता है। अगर हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती करते हैं तो मार्केट में जब उनका उत्पादन जाता है तो कितना उन्हें मुनाफा वहां पर देखने को मिलता है? जैविक खेती में मुनाफा ज्यादा मिलेगा देखने को, क्योंकि उसमें टेस्ट होता है, जब उस टेस्टिंग में जब जाता है वो अनाज, तो देखिएगा कि वो जो जैविक हमने उगाया उसकी टेस्टिंग के क्वालिटी अलग होंगे, जो रसायन उगा के आपने टेस्टिंग करवाया उसकी क्वालिटी अलग होंगे। तो जब आप क्वालिटी की चीज मिलेगी, तो जब क्वालिटी वाली, जैसे मान लिए कि देखिए सपोज कि कोई मान लिए कि ये सूट है ना, ये मान लीजिए 400 की सूट है और एक सूट है जो 1000 रुपए की है, तो उसमें कुछ तो क्वालिटी है ना, तभी तो वो 1000 रुपए के है। इसी तरह से अनाज में भी है, जब क्वालिटी जैविक हमने उगाया है और उसमें अच्छी क्वालिटी है ना, टेस्टिंग में निकला अच्छी क्वालिटी, तो फिर वो अच्छे दाम में बिकेगा। जब अच्छे दाम में बिकेगा तो किसान क्या होंगे, खुश होंगे। तो जब किसान खुश होंगे तो कुछ किसान जो जागरूक हैं, अगर वो खुश होते हैं फिर वो जैविक की तरफ ही आगे जाते हैं और जैविक ही उगाना चाहेंगे वो, इस तरह से वो बेनिफिट ले सकते हैं किसान। अच्छा अच्छा, जैविक खेती को अगर हमारे किसान भाई बहन करते हैं तो किन किन तरीकों से उन्हें फायदा देखने को मिल सकता है, उन्हें लाभ मिल सकता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। देखिए, जैविक खेती उगाने से आपको ये सारे बेनिफिट मिल सकता है कि पहली बात तो आप जैविक उगाएंगे, अच्छे खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, आप दूसरे को भी जब किसी को देंगे तो वो भी स्वस्थ रहेंगे। जो आजकल बीमारियां हैं, जैसे घुटनों में दर्द है, पेट में प्रॉब्लम आ रही है, गैस बन रहे हैं, पेट नहीं साफ होता है, और कैंसर जैसे बीमारी देखने को मिल रही है, तो इससे आप मुक्त हो सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं, बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। जो हम डॉक्टर को जाके हजार हजार लाखों लाखों रुपये पैसे देते हैं बीमार होते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। बिल्कुल, है ना। तो जैविक जब उगाते हैं खाते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो है हम अपने इनकम को भी, मतलब पैसे को भी बचत कर सकते हैं, तो यहाँ से ये भी लाभ मिल सकता है। हाँ। और जब आप जैविक उगा के आप जब सेल करते हैं, देते हैं, बाजार में बिकते हैं, जो अच्छे क्वालिटी में अच्छे दाम में बिकेंगे तो आपके पास
लाभ भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा, तो आपको इतने सारे बेनिफिट मिल सकता है यहाँ से। बिल्कुल, जैसे हम लोग आज के समय में देखते हैं ना कि लोगों को कैंसर हो रहा है और कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे अखबारों में भी निकलता रहता है कि अगर कोई रासायनिक का प्रयोग कर रहा है तो हमारे जो शरीर में जो अंग है अंदर के हैं तो उनमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है, कैंसर हो रहा है। तो जैविक तरीके से अगर आप करते हैं तो ये सारी चीजें सच में कम हो सकती हैं और हमारे शरीर के लिए, हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए बहुत लाभकारी होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी कि सरकार किस तरीके से जैविक खेती को लेकर बढ़ावा दे रही है, और जो हमारे दर्शक हैं वो अगर जैविक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो किस तरीके से वो जान और समझ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसान तो बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन ये है कि किसान, कुछ किसान ऐसे हैं कि जानते हैं तो वो उस चीज़ को लाभ उठा सकते हैं, उठा पाते हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। तो इस जानकारी को लेने के लिए आप हर ब्लॉक में, यहाँ पे कानपुर में जैसे कल्याणपुर ब्लॉक है, सरसौल ब्लॉक है, बुधनू ब्लॉक है, इस तरह से ब्लॉकों में जो है किसान गोष्ठी मेला का आयोजन कराया जाता है। तो आप वहाँ पर जाके मतलब जान सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, वो बताते हैं जैविक खेती के बारे में और कैसे करना चाहिए, क्या क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपको सरकार क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जैविक खेती को लेकर हमें कई फायदे देखने को मिल रहे हैं और सरकार भी जैविक खेती को लेकर बहुत बढ़ावा भी दे रही है। जैसे हमारी एक्सपर्ट ने बताया कि गोष्ठी मेला होता है, जहां आप गांव में अगर रहते हैं तो प्रमुख ब्लॉक में जाकर वहां पर आप पता कर सकते हैं कि गोष्ठी मेला कब होता है, कैसे हो सकता है, सारी जानकारी आपको वहां से मिल सकती है। तो जैविक खेती अगर आप भी करते हैं तो उसमें आपको कई फायदे देखने को मिल सकते हैं। और मैं थी ज्योति और ये शो चल रहा था रेडियो किसान बाजार प्रोग्राम, और ऐसे ही हम कई एपिसोड लेकर आपके लिए लाते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि कई लोग जागरूक हो पाए और जैविक खेती को समझ पाए। धन्यवाद। रेडियो कनपुरिया 91.9 FM लगाते।